वेलकम टू ऑल इन वन। आई एम सुजय। आज हम लोग एक स्क्वायर का इन्वोल्यूट कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ इन्वोल्यूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 30 मिलीमीटर डायमीटर। ठीक है, एक 30 मिलीमीटर डायमीटर का एक स्क्वायर है जिसका इन्वोल्यूट हम लोगों को बनाना है। पहले 30 मिलीमीटर स्क्वायर बना लेते हैं। मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। तो मेरा ड्राइंग उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। अब ये जो स्क्वायर है ये 30 मिलीमीटर का हमने बना लिया है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स का नाम देना होगा। इस पॉइंट पे नाम देते हैं 1, ये वाला है 2, यह है 3 एंड यह है 4। इसके बाद हम लोगों को ये जो पॉइंट्स है 1 एंड 4, यहाँ से 1 एंड 4 लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कर लिया है एक्सटेंड। उसके बाद 2 1 लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना होगा। ये मुझे समझ में आ रहा है कितना एक्सटेंड करने में हो जाएगा। आप लोग जब ये ड्राइंग पूरा देख लोगे तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि कितना एक्सटेंड करने से काम हो जाएगा। ये यहाँ पे 3 और 2 को एक्सटेंड करेंगे। अब उसके बाद 4 टू 3 ये वाला भी एक्सटेंड हो जाएगा। अभी हम लोगों को लेना है कंपास। उसके बाद पॉइंट वन एज सेंटर एंड रेडियस इज इक्वल टू 1 एंड 4, मतलब 30 मिलीमीटर रेडियस होगा। उसको लेके एक आर्क बनाना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आ गया आर्क। उसके बाद 2 एज सेंटर, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब इसका जो रेडियस होगा ये होगा 30 प्लस 30, मतलब टोटल 60 का। अभी इसको लेके यहाँ पे और एक आर्क बनाना है। ये जो ड्राइंग है ये बहुत ही आसान है। अभी पॉइंट 3 एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू दिस लाइन। तो ये वाला रेडियस कितना होगा, 3 इंटू 30, मतलब 90 मिलीमीटर का। अब 3 में सेंटर पॉइंट करके यहाँ से इसको ले जाना है। तो मेरा लाइन थोड़ा छोटा हो गया है। अब इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना होगा। ये हो गया। अब 4 से ये वाला ये डिस्टेंस हम लोगों को रेडियस लेके यहाँ से और एक आर्क बनाना है। तो ये लाइन हमारा छोटा लग रहा है थोड़ा, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं पहले ही ताकि बाद में दिक्कत ना आए। हो गया एक्सटेंड। अब पॉइंट 4 एज सेंटर एंड दिस इक्वल टू रेडियस। अब ये वाला इसका कितना होगा डायमेंशन, ये हो जाएगा 120 मिलीमीटर का। अब यहाँ पे रख के यहाँ पे एक कार्ब हो गया। ये जो कार्ब बना हमारा ये हुआ इस स्क्वायर का इन्वोल्यूट। यहाँ पे लिख देते हैं, ये है इन्वोल्यूट। अब अगर हम लोगों को एक टेंजेंट बनाना है तो क्या करना होगा। यहाँ पे टेंजेंट बनाने के लिए अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाना चाहूँ तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट लेना है।
उसके बाद इस पॉइंट को, इसका जो सेंटर पॉइंट है मतलब इस कार्ब का सेंटर पॉइंट कौन सा है, 4 है। अगर मैं इस कार्ब में करता तो इसका सेंटर पॉइंट 3 है, 3 से कनेक्ट करना होता। मैंने यहाँ पे करना चाहा तो 4 में इसको ऐसे जॉइन करना होगा। तो ये लाइन जो है, ये लाइन हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल हमारा हाथ में जब आ गया है तब हम लोगों को टेंजेंट पाने में कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होगा, इसको इसके ऊपर एक 90 डिग्री लाइन हम अगर हम बना सकते हैं तो वही हो जाएगा हमारा पूरा इसका टेंजेंट। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बना रहा हूँ यहाँ पे इस लाइन पे 90 डिग्री। तो ये जो लाइन मैंने अभी बनाया ये हो गया इसका टेंजेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान एक ड्राइंग था। होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।